नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रूमेटोलॉजिस्ट। आज है 29 जून, यानी कि वर्ल्ड स्क्लेरोडर्मा डे। इस डे के दिन हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं बीमारी के बारे में, जिसे कहा जाता है स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ये एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है, मतलब कि लंबे समय यानी सालों तक चलने वाली एक ऑटोइम्यून बीमारी, जहां शरीर खुद को ही नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ खास तरह के पदार्थ बनाता है, जिन्हें ऑटो एंटीबॉडीज़ या फिर अबनॉर्मल सेल्स कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि इस बीमारी के क्या आम लक्षण होते हैं। ये बीमारी आमतौर पर स्किन में अपना असर दिखाना शुरू करती है। मरीजों की शिकायत ये होती है कि वो बार बार स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें पूरे शरीर में खुजली होना, शरीर में कालापन आ जाना, शरीर की चमड़ी सख्त हो जाती है, लेदर जैसी सख्त हो जाती है स्किन की चमड़ी। उसके अलावा मरीजों को गर्दन के आसपास चमड़ी सख्त हो जाना, मुंह खुलने में तकलीफ होना, फेस इतना सख्त हो जाना कि कई मरीजों का कहना होता है कि उनकी सारी झुर्रियाँ ही ख़त्म हो गई हैं उम्र ज़्यादा होने के बावजूद। आमतौर पर ये बीमारी औरतों में 40 या 45 साल के बाद देखी जाती है, लेकिन ये बीमारी बच्चों में और आदमियों में भी मिल सकती है। इस बीमारी में चमड़ी के जो लक्षण होते हैं, उसके अलावा कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे कि नसों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हमारे खून की वेसल्स होती हैं। मरीज़ ठंडे पानी में या ठंडे मौसम में ये महसूस करते हैं कि उनकी उंगलियों का रंग बदल जाता है, उंगलियों में झिझनाहट रहने लगती है, दर्द होने लगता है। उंगली तीन कलर के फेज में कलर चेंज होता है। पहले उंगलियाँ पेल पड़ जाती हैं, सफ़ेद पड़ती हैं, फिर नीली पड़ती हैं और फिर लाल पड़ती हैं। इस तरह के जो चेंजेस आते हैं और साथ में जो दर्द होता है, उसे कहा जाता है रेनॉल्ड्स फेनोमेनन। और ये एक बहुत ही आम लक्षण है इस बीमारी का, और जो कई बार मिस हो जाता है। अब क्योंकि ये बीमारी लंबे समय तक चलने वाली है, इसके लक्षण जब शुरू होते हैं और बीमारी जब पकड़ में आती है, उसके बीच में कई सालों का समय निकल जाता है। और इसी बात पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी में शुरू के 5 सालों में चमड़ी में सख्तपन जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और अगर ये बीमारी जल्दी पहचान ली जाए, तो इस चमड़ी के सख्तपन को कम भी किया जा सकता है, दवाइयों के द्वारा रोका भी जा सकता है। चमड़ी के अलावा इस बीमारी में खाने की जो नली होती है, जिसे हमारी फूड पाइप या इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, उस पर भी असर होता है। ऑलमोस्ट 90% मरीज जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि उनकी जो खाने की नली है वो सिकुड़ने लगती है। खाने की नली सिकुड़ने के कारण मरीजों को तकलीफ होती है, जैसे कि उनका कहना होता है कि वो थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो हजम नहीं कर पाते, जो भी खाना खाते हैं वो वापस आने लगता है, एसिडिटी की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है। उसके अलावा बार बार दस्त लगते हैं, पेट भारी रहता है, कुछ मरीजों को बहुत तेज़ पेट में दर्द के साथ साथ आंतों में सूजन भी आ सकती है, और खाने की नली से थोड़ा थोड़ा खून रिसता रहता है, जिसके कारण खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन में ड्रॉप भी हो सकता है। खाने की नली के अलावा ये बीमारी मरीज के फेफड़ों पे असर करती है, जिसके कारण फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, मरीज़ को चलने फिरने में, अपने आम डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने में कष्ट होता है, सूखी खांसी बनी रहती है। इस बीमारी का हार्ट पे भी असर होता है, जिसके कारण मरीज़ का हार्ट कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ चल फिर नहीं पाता, बेहोशी या चक्कर आने लगते हैं, छाती में दर्द रहता है। उसके अलावा एक शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, जो हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है हमारे फेफड़ों को। इस बीमारी में इस आर्टरी में भी सूजन आ जाती है, जिसके कारण हार्ट पे प्रेशर बढ़ने की वजह से मरीज़ के फेस पे सूजन आना, पैरों में सूजन आना और किडनी पर भी असर हो सकता है। ऐसे मरीजों में अचानक से बीपी बढ़ के उनकी किडनीज फेल हो सकती है, और कई मरीज़ डायलिसिस पे भी पहुँच जाते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये बीमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को तो अफेक्ट कर रही है, स्किन को अफेक्ट कर रही है, उसके अलावा जोड़ों में सूजन आती है। ऐसे मरीज़ की चमड़ी इतनी सख्त हो जाती है, उसके कारण उनके हाथ टाइट हो जाते हैं, मुट्ठियाँ नहीं बन पाती हाथों में, और स्किन में जहाँ जहाँ टेंशन है उन जगहों पर घाव बन जाते हैं। ये सारे लक्षण समझने से हम ये जानेंगे कि अगर किसी भी मरीज़ को इस तरह के कई ऑर्गन सिस्टम में एक साथ अलग अलग लक्षण हो रहे हैं, और साथ में चमड़ी में सख्तपन है और रेनॉल्ड्स फिनोमिनन है जो हमने बताया, तो उन्हें बिना समय व्यर्थ किए रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में समय बहुत कीमती है। जितना जल्दी आप बीमारी पकड़ेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इन सभी ऑर्गन्स में जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसे रोका जा सकता है। अगला सवाल मरीजों का ये होता है कि ये बीमारी होती क्यों है। देखिए, जैसे कि आपने पहले भी मेरे द्वारा सुना होगा कि सारी ही ऑटोइम्यून बीमारियों का कोई एक कारण नहीं होता। कुछ कारण इनमें जेनेटिक होते हैं, जिसे आनुवांशिक कारण कहते हैं। कुछ कारण हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, उसके कारण होता है। इस पर्टिकुलर बीमारी में ये भी पाया गया है कि मरीज़ के बॉडी में ऑटोइम्यूनिटी के साथ साथ नसों की प्रॉब्लम और सारे बॉडी में बहुत सारा कॉलेजन टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू जमने लगता है, जिसके कारण शरीर ही पूरा सख्त पड़ने लगता है।
इस बीमारी के कारण समझने के बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस बीमारी को पहचाना कैसे जाता है, क्योंकि ये बीमारी एक साथ बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो एक यूजुअली जब डॉक्टर मरीज को शुरू में तकलीफ होती है तो या तो वो हार्ट के डॉक्टर के पास जाता है या किडनी के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन चमड़ी में ये जो मामूली लक्षण हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, सटल होते हैं, वो यूजुअली एक रूमेटोलॉजिस्ट पिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके रूमेटोलॉजिस्ट ये देखने के लिए कि आपके शरीर के कौन कौन से अंगों पर असर हुआ है, आपका सीटी स्कैन, हार्ट की इको की जांच, कुछ खास खून की जांचें जैसे ANA, स्क्लेरोडर्मा की जांचें, वो सब कराएंगे। जहां तक रही बात इस बीमारी के इलाज की, तो आज से कुछ साल पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी जो इस बीमारी के लिए कारगर साबित हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिसर्च के कारण अब हमारे पास ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं जिनमें कुछ टैबलेट शामिल हैं जैसे MMF, कुछ इंजेक्शन हैं जिन्हें रिटुक्सीमैब, टोसिलीजुमैब कहा जाता है। इन सब थेरेपीज की मदद से हम मरीज के फेफड़ों की सिकुड़न को रोक सकते हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी मरीज इस बीमारी के साथ कितने साल जी सकता है उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले ये देखा गया था कि आज से 10 साल पहले इस बीमारी के जो मरीज हैं उनका जो लाइफ स्पैन है या उनकी जीवन शैली जो है इस बीमारी शुरू होने के बाद बहुत कम हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हमारे पास टैबलेट्स, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इस बीमारी में मरीज को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी मरीज को साइकोलॉजिकली भी असर करती है, क्योंकि मरीज जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखता, मरीज की स्किन, मरीज के अपीयरेंस में, एक लेडी के लिए अपीयरेंस में चेंजेस आ सकते हैं, तो कई मरीज बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम मरीज को समझाएं कि इस बीमारी के कारण मरीज खुद को किसी भी तरह से कमज़ोर या इन्फीरियर ना समझें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, जैसे मैंने बताया, बीमारी शुरू होने के 5 से 6 सालों में स्किन के जो चेंजेस हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, और अगर बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को बचा लिया जाए तो ये सारे मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं और रेगुलर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इन मरीजों को ठंड से बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। इन सारे मरीजों को ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मरीज़ को हाथों और पैरों को कवर रखना है, ग्लव्स और सॉक्स पहन के रखने हैं। अगर मरीज़ को किसी तरह का कोई घाव हो रहा है, इन मरीज़ों में देखा गया है कि कैल्शियम जमा हो जाता है चमड़ी के नीचे, तो इस तरह का अगर कोई घाव हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। जो सांस लेने के लिए अगर तकलीफ होने लगे फेफड़ों में, तो फिर मरीज़ को कुछ खास एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। मरीज़ों को कहा जाता है कि रेगुलरली अपने BP की मॉनिटरिंग करें ताकि किडनी का जो चेंजेस हैं वो तुरंत से तुरंत पता लग सके। एक चीज़ का हमें ध्यान और रखने की ज़रूरत है कि इस बीमारी में मरीज को बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो जब डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करेंगे तो एक ट्रीटमेंट का एम या हमारे ट्रीटमेंट का टारगेट होगा कि जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपकी तकलीफ है, चाहे वो जोड़ों में दर्द हो, चाहे वो चलने में तकलीफ हो, सांस फूलना हो, उसको कंट्रोल करें, और साथ ही साथ जो ऑर्गन्स या जो अंदरूनी अंग अब तक जिन पे असर नहीं हुआ है उन पे असर रोका जाए। इस बीमारी में नॉर्मली ऑटोइम्यून बीमारी में आपने सुना होगा कि स्टेरॉइड्स का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उन बीमारियों में से है जहाँ हम स्टेरॉइड्स कम से कम, एज रूमेटोलॉजिस्ट हम कम से कम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाकी दवाइयों से मरीज का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो अब आप इस बीमारी से डरिए मत। हाँ, ये बीमारी थोड़ी डिफिकल्ट है ट्रीट करना, लेकिन अब इसके लिए स्पेशलिस्ट और दवाइयाँ अवेलेबल हैं और ये सारी ही मरीज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो टाइम बिना वेस्ट किए, अगर आप किसी को जानते हैं जिसे ये लक्षण है या आपको खुद ये लक्षण है, तो तुरंत अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए।